chapter is chemical coordination and integration. So chemical coordination jo hai, that is coordination of various activities of our body by hormones is called as chemical coordination. अब जो बेटा हॉर्मोन्स है उनका कंट्रोल, किसी भी ग्लैंड का कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास है. और बहुत सारे हॉर्मोन्स ब्रेन की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं. सो यू कैन से द केमिकल एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन दे गो साइड बाय साइड. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड, या आप कह सकते द एंडोक्राइन सिस्टम. आप केमिकल कोऑर्डिनेशन ना करके द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द न्यूरल सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. And thus called as neuroendocrine system and their study is called as neuroendocrinology. Their study is called as neuroendocrinology. ठीक है जी. तो अब आ जाते हैं, पहली बात हम बात करें व्हाट आर ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या है? These are the structures which secrete chemicals or in the living organisms. These are glands. एक बेटा एक ही टैप है जिसके ऊपर एक पाइप लगी हुई है और वो पानी कहाँ पे दे रही है? जहां पे प्लांट्स लगे हुए हैं. ठीक है, और एक टैप है एक दूसरा टैप है जिससे पानी नीचे बह रहा है और नीचे यहाँ पे बहुत सारी चैनल सी बनी हुई है मिट्टी में और ये जो है सभी चैनल्स में जा रहा है और ये बहुत सारे प्लांट्स में जगह जगह पे चला जाएगा पानी. ठीक है जी.
तो ये दो तरह के टैप्स है हमारे, एक पे हमने पाइप लगा दी और दूसरा जो है पाइप नहीं है, वो नीचे जमीन में जाके वो छोटी छोटी जो नालियां बनी हुई है उनके थ्रू जा रहा है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी, ये तो हमने बनाई है बट हमारी बॉडी में भी ऐसे टैप्स ही है। दीज टैप्स आर कंसिडर्ड एज ग्लैंड्स। इन टैप्स में से पानी आ रहा है, हमारी ग्लैंड्स में से कुछ सिक्रीशंस आती है। ये टैप, दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड विच हैज डक्ट्स, ठीक है, विच टेक द सिक्रीशंस टू द टारगेट ऑर्गन। जहां पे काम करना है वहां पर लेके जा रही है डक्ट्स, पाइप्स जो है। दिस इज डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशंस इन ब्लड, और ब्लड उन सिक्रीशंस को लेके सारी बॉडी में घूमता है। जहां जहां पे भी उन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स है वो उस हॉर्मोन को रिसीव, उस हॉर्मोन को बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स, नेक्स्ट आ जाइए, ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड अनदर इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स विद डक्ट्स, ग्लैंड्स विद डक्ट्स। Endocrine glands, these are ductless glands, these are ductless glands। Exocrine glands जो है, they secrete enzymes, they secrete enzymes, mucus and watery solution। जबकि जो endocrine glands है they secrete hormones, they secrete hormones। लेकिन जो पाइप्स है वो तो किसी लिमिट तक ही जाएंगी, जबकि अगर ब्लड के थ्रू जाना है तो वो तो कहीं पर भी पहुंच सकता है, हॉर्मोन्स कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, सिक्रीशंस रीचेस द टारगेट ऑर्गन, जहां पे एक्टिन है, टारगेट ऑर्गन्स बाय डक्ट। और यहां पे सिक्रीशंस रीचेस द टारगेट ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो ब्लड, नेक्स्ट आ जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, द टारगेट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट नियर बाय, द टारगेट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट नियर द ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में द टारगेट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट at a distance from the glands, the target organs are present at a distance from the glands। exocrine glands ki examples likh lo, salivary glands, gastric glands,
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, जबकि एंडोक्राइन का लिखो, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, थायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स एक्सेट्रा। और एक थर्ड टाइप की ग्लैंड्स लिखिए बेटा, दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्पोजिट ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स और कॉम्पोजिट ग्लैंड्स, बेटा कुछ ग्लैंड्स ऐसी है जिसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन है। तो यहाँ पे लिखो, द ग्लैंड्स विच आर पार्शली एक्सोक्राइन एंड पार्शली एंडोक्राइन, पार्शली एक्सोक्राइन एंड पार्शली एंडोक्राइन आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल आ जाइए बेटा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है पैनक्रियास, एनदर इज लिवर। दीज आर द टू कॉमन एग्जाम्पल है तो बहुत सारी, बट दीज आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। इज इट ओके? ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा So in this chapter, we have to do mainly endocrine glands. So study of endocrine glands is called as endocrinology. Study of endocrine glands is called as endocrinology, and father of endocrinology, that is Edison, father of endocrinology Edison, who first discovered या observed that Addison's disease is caused due to deficiency of mineralocorticoids and glucocorticoid. Corticoid hormones. The first hormone to be discovered was secretin. The first hormone discovered was secretin by Baylis and Starling. By Baylis and Starling. हम हार्मोन की स्पेलिंग वो जो था हार्मोन. The hormone secretin. By Baylis and Starling.
The term hormone was given by Starling. The term hormone was given by Starling. ठीक है जी. ना अब आ जाता है बेटा कि हॉर्मोन्स है क्या चीज है. पहली बात तो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल्स है, पहले सुनो और फिर लिखें. हॉर्मोन ऐसे केमिकल्स है जो एक जगह पे सिक्रीट होते हैं और किसी दूसरी काफी दूर जाके एक्ट करते हैं. ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये लिपिड्स भी हो सकते हैं या फैट्स भी हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोटीन्स हो. दे कैन बी प्रोटीन्स, दे कैन बी फैट्स एंड सम हॉर्मोन्स आर सिंपली अमीनो एसिड. ठीक है जी. उसके बाद हॉर्मोन्स जो है दे मे रेगुलेट, दे मे एक्टिवेट द एक्टिविटी, दे मे प्रमोट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी और दे इनहिबिट द पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. तो इसलिए जैसे एंजाइम हम कहते हैं दे आर ऑलवेज प्रोमोटरी, दे ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन, जबकि हॉर्मोन्स ऐसे नहीं है. दे कैन बी प्रोमोटरी एज वेल एज इनहिबिटरी. अनदर इज हम एंजाइम्स को कहते हैं कि वो कभी रिएक्शन में यूज नहीं होते, वो रिएक्शन के बाद ऐसे ही दोबारा आ जाते हैं. वेयर एज हॉर्मोन्स आर यूज्ड अप इन द रिएक्शन. हॉर्मोन्स को हम दोबारा दोबारा नहीं यूज करते, दे आर यूज्ड अप इन द रिएक्शन. बट हॉर्मोन्स ऑल्दो दे आर यूज्ड अप इन द रिएक्शन बट दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बिकॉज दे एम्प्लीफाई द रिएक्शन. मैंने तुम्हें एक को पढ़ाया, लेट अस से मैंने एक स्टूडेंट पढ़ाया, उस एक स्टूडेंट ने 10 और स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, उन 10 स्टूडेंट्स ने आगे 100 और को पढ़ा दिया, तो मेरे एक की इंफॉर्मेशन हजारों के पास चली. सो दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन. सो हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बिकॉज दे एम्प्लीफाई द रिएक्शन. इज इट राइट? सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हॉर्मोन्स. लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स. Hormones are the first point. Hormones are the chemical compounds. Hormones are the non-nutrient. आप कह लीजिए. Hormones are the non-nutrient chemical compounds. Which are produced in trace amounts. बहुत थोड़े से amount में होते हैं. Which are produced in trace amounts. Non-nutrient. Chemical compounds. Hormones are non-nutrient chemical compounds which are produced in trace amounts and act as intercellular or chemical messengers. और केमिकल मैसेंजर्स एज दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन. To the target organs. Next, आ जाइए second point. Endocrine system is very simple in invertebrates, जिनमें vertebral column नहीं होता. In invertebrates. Such as insects, mollusks, etc. Endocrine system is very simple in invertebrates. Whereas it is highly complex
It is highly complex and secrete many hormones. And secrete many hormones in vertebrates. In vertebrates. Next, aajaiye. Composition of hormones. Next point hai properties mein. Composition of hormones. They can be amino acid hormones, peptide hormones. Peptide means small chain of amino acids. Peptide hormones, bracket mein likh lo, formed of small chain of amino acids. थर्ड आ जाता है प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स और फोर्थ आ जाता है बेटा स्टीरॉइड हॉर्मोन्स. स्टीरॉइड हॉर्मोन्स amino acid hormones which are derived from amino acids only. Amino acids ki thodi si modification ki aur hormone ban gaya. These are derived from amino acids. For example, thyroxine, epinephrine and norepinephrine. एपिनेफ्राइन का एक और नाम है दैट इज एड्रेनालिन और ये नॉर एड्रेनालिन. ऑल दीज थ्री आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन. जब हमने अमीनो एसिड्स के फंक्शन किए थे एट दैट पॉइंट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू all these three amino acids, all these three hormones are derived from the amino acid tyrosine. Next aa jaate hain peptide hormones. These are the hormones which are formed of small chain of amino acids. These are formed of small chains of small chain of amino acids. For example, ADH and oxytocin. Hanji, who is going to tell me full form of ADH? Sargam? Ma'am, anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone. Bilkul theek hai. Krisha, tell me another name of ADH. Vasopressin. Very good. ADH or vasopressin. These are peptide hormones. Next is proteinaceous hormones. These are formed of complex proteins. These are formed of complex proteins. For example, insulin. Another is glucagon. Another is tropic hormones. अभी हम ये करेंगे आपको पता चलेगा. Tropic hormones of pituitary gland. These are all protein hormones. Another is steroid hormones. Derived from cholesterol. These are derived from cholesterol. Examples aa jaati hai beta. Testosterone, male sex hormone.
male sex hormone is testosterone. Another is estrogen. Another is progesterone. Another is hormones of. एक हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, उसका ही पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स. अनदर इज हॉर्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स. दीज आर थायरॉइड हॉर्मोन्स. नेक्स्ट आ जाता बेटा हॉर्मोन, द टारगेट साइट्स ऑफ द हॉर्मोन्स. नेक्स्ट पॉइंट है द टारगेट साइट्स, जहां पे हॉर्मोन्स ने एक्ट करना है, आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द, नॉट ऑलवेज बट जनरली आप कह सकते हो, आर जनरली अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिक्रीशन. द टारगेट साइट्स ऑफ द हॉर्मोन्स आर जनरली अवे फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सिक्रीशन. नेक्स्ट स्टार डाल के पॉइंट लिखना. हॉर्मोन्स आर नेवर यूज्ड अप इन द रिएक्शन. हॉर्मोन्स आर नेवर या नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. आई एम सॉरी. हॉर्मोन्स आर यूज्ड अप, नॉट कार्ड दो. आई एम सॉरी. हॉर्मोन्स आर यूज्ड अप इन द रिएक्शन. Therefore, they cannot be reused. Hormones are used up in the reaction. दोबारा से बता रही, not काट दो. Hormones are used up in the reaction and thus are never reused. Yeah, and thus are never recovered. वही बता रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स बिकॉज दे एम्पलीफाई द रिएक्शंस. दे एम्पलीफाई रिएक्शंस को वो कई गुना बढ़ा देते हैं. दे एम्पलीफाई द reactions. Next आ जाइए. Hormones do not provide any energy or raw material for metabolism. Hormones do not provide energy or raw material for metabolism. Next है, hormones can both promote as well as inhibit the reactions. Hormones can promote or inhibit the reactions. नेक्स्ट है, हॉर्मोन्स आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. हॉर्मोन्स आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स और एक्सेस ऑफ हॉर्मोन्स कॉजेस डिसऑर्डर्स. डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स और excess of the hormones causes disorders. Tara mujhe difference between enzymes and hormones. Haan ji, who is going to tell me? Arnav, can you tell me? Sargam bata rahi hai. Haan ji, Sargam bolo. Enzymes
सबसे पहले बता, एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सबसे पहले हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकंड आ जाते हैं, एंजाइम्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, हॉर्मोन्स कैन बी अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और स्टीरॉइड्स। एंजाइम्स नेवर यूज्ड अप इन द रिएक्शंस, hormones they are used up in the reactions. Enzymes always speed up the reactions, hormones they either promote the reactions or inhibit the reaction. Haan ji, any other difference? Anji Gunjan. Enzyme can act at the site of origin. Yes. Enzymes act near the site of secretion. Enzymes mainly act near the site of their secretion. Hormones act at sites away from their secretion. And ma'am, enzymes to direct small activity may be chahiye. Hormones to kuch activity control karte. Nahi, hum ye nahi, ye difference mein nahi hum likh payenge beta. किसी ना किसी तरह हर एक्टिविटी में चाहिए ही होता है। ठीक है, हाँ जी अर्गुन आप बताइए। क्वांटिटी की एंजाइम में मोर और उसमें लेस? नहीं बेटा, एंजाइम्स और क्योंकि एंजाइम्स रीयूज होते हैं तो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बोथ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन small amount. जो enzymes है, हाँ ऐसा है, but एक एक और part enzymes है high molecular weight, जबकि जो proteins जो hormones है these are of low molecular weight. Enzyme controlled reactions are reversible. Enzyme controlled reactions are reversible, whereas hormones control irreversible reactions. Irreversible reactions. Any other? Haan ji beta, any other difference between enzymes and hormones? Ma'am, hum ye likh sakte that enzymes are biocatalysts and hormones are chemical messengers. हाँ लिख सकते हैं, but वो हमने थोड़ा सा कर दिया, ये भी आप एक difference लिख सकते हैं. Hormones are chemical messengers, whereas enzymes are biocatalysts. ठीक है जी, so these are difference between hormones and the enzymes. Next हम आ जाते हैं बेटा. Endocrine glands in humans. अगर हम बेटा ब्रेन से देखें, हम थोड़ा सा एक मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूं, so here this is hypothalamus, this is pituitary gland. Yahan pe beta this is pineal gland. Here in the neck this is thyroid gland. Thyroid gland ki back side pe, dorsal side pe, piche wali side there are present four. Ye thyroid k
ये नहीं है थायराइड से बैक साइड में है, डोर्सल साइड पे है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. हियर यू नो दीज आर लंग्स. यहां पे देयर इज थाइमस ग्लैंड. Then here, these are kidneys. Kidneys के ऊपर क्या है? Adrenal glands. These are pure endocrine glands. Hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid. Thymus and adrenals. These are the pure endocrine glands. ठीक है जी. उसके बाद कुछ heterocrine glands हैं, वो हम next time करेंगे, and right? तो हम we will do these glands. Next time मैं आपको एक assignment दूंगी neural system की, वो हम discuss करेंगे, and on Sunday you will have test of neural coordination. Is it okay, everybody?